जंग के आसार हैं तारा सिंह जी। बैठक की तैयारी करना चाहती हूँ। ऐसे तड़पाओ खतरा बाप भी तेरे लिए तुझे बचाने जरूर आएगा। कटोरा लेकर घूमोगे भीख भी नहीं मिलेगी। दोस्तों साल 2023 की वन ऑफ द मच अवेटेड मूवी जिसका बच्चा बच्चा यानी कि हर हिंदुस्तानी वेट कर रहा था और इस मूवी का नाम है गदर 2। और जैसे ही इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ तो शुरुआती 15 घंटों में ही इस मूवी के ट्रेलर को 40 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी के ट्रेलर ने शाहरुख खान की जवान मूवी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, साथ ही साथ सुपरस्टार प्रभास की कल्कि मूवी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गदर 2 को लेकर पब्लिक के बीच किस कदर क्रेज है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा कि इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ तो कुछ लोगों को इस मूवी का ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा और कुछ लोगों को गदर 2 का ट्रेलर पसंद नहीं आया। वैसे तो 2-3 कमी है जो कि मुझे साफ साफ दिखी है ट्रेलर के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इस मूवी के अंदर जो विलन हमें देखने को मिल रहा है वो विलन सनी देओल के सामने बहुत ही कमजोर लग रहा है, उसकी एक्टिंग उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही कमजोर है। वहीं दूसरी तरफ उत्कर्ष शर्मा जो कि सनी देओल के बेटे का किरदार निभा रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस भी कमजोर नजर आ रही है। लेकिन गदर 2 की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है सनी देओल। तो लोग सिर्फ और सिर्फ सनी देओल की वजह से ही इस मूवी को देखने वाले हैं और इंडिया और पाकिस्तान का भी एंगल है इस मूवी के अंदर, तो लोग इस वजह से भी इस मूवी को देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये मूवी 200 से लेकर 250 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। और अगर बात करें डायलॉग की तो सनी देओल के द्वारा जो एक डायलॉग बोला गया है वो इंटरनेट पर छा गया है, उसने सबका दिल जीत लिया है, जो कि डायलॉग है कि अगर पाकिस्तानियों को दोबारा हिंदुस्तान में बसने का मौका मिल जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। और आज के दिन ये बात बिल्कुल हकीकत है। तो ओवरऑल मैं इस ट्रेलर को 5 में से 3 स्टार देना चाहूंगा, एक तो सनी देओल को और एक इस मूवी के डायलॉग को। और उम्मीद करते हैं कि इस मूवी के अंदर स्टोरी भी अच्छी देखने को मिलेगी, तो इस मूवी की स्टोरी को। और मैंने 2 स्टार कम किए हैं, एक तो उत्कर्ष शर्मा की वजह से और दूसरे इस मूवी के विलेन की वजह से। तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको गदर 2 का ट्रेलर कैसा लगा और आप 5 में से कितने स्टार देना चाहोगे इस ट्रेलर को।